वेलकम टू स्पेशल क्लासेस एट योर चैनल लर्निंग ऑर्बिट। वेलकम बैक टू लर्निंग ऑर्बिट। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस, विच इज लो विजन ब्लाइंडनेस, लीगली ब्लाइंड, पार्शली ब्लाइंड एंड मैनी मोर। सो इट इज क्लियर नाउ दीज टर्म्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच दीज दैट वीडियो ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट दीज टर्म्स, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। So and also if you want to watch that series, our special education series from the very first video, you can also click on the I button and watch that video. So we have started our chapter blindness and low vision. अब हम फर्दर मूव करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आज का हमारा टॉपिक है। इसका मतलब है जो ब्लाइंड लोग ब्लाइंड हैं, लो विजन है, जिन्हें आईज में प्रॉब्लम है, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें कैसे पहचानेंगे, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपना देखते हैं कि ऐसे काफ़ी लोग हैं और आजकल पहचान में आ जाते हैं, बड़ा बड़ा ब्लैक कलर का वो चश्मा लगा के रखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, बहुत बार नहीं भी पता चलता कि वो पर्सन ब्लाइंड है, क्योंकि वैसे फिजिकली उसकी आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो इंटरनली उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम होती जिस वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है। पर्सन कोई भी रीज़न होगा, आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से तो ख़राब हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता, तो हम उस हम वैसे भी हम वो भी पढ़ेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो पर्सन को प्रॉब्लम है आइज़ में। आजकल तो गवर्नमेंट ने वैसे भी ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है, वैसे भी गवर्नमेंट वेरी फ्री इन्वायरमेंट हमारा ये पूरा कोशिश कर रही है कि ब्लाइंड लोगों के लिए सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज, सारे डिसेबिलिटीज़ के लिए वो कर सके। ब्लाइंडनेस के लिए भी कि उन्होंने बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाया, हर जगह उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम अपना ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे कि हम लोग इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स में कैसे पता कर सकते हैं, स्कूल एज स्टूडेंट्स में, एंड नेक्स्ट इज जो हमारे और जो ओवरऑल जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट है इंडिकेशंस आइडेंटिफिकेशन इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, ठीक है। चाइल्ड्स लैक ऑफ विजुअल फिक्सेशन ऑफ पेरेंट्स, हम लोगों ने मोस्टली देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ टाइम बाद वो पेरेंट्स को, वो अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो आसपास एक चीज़ में अलग अलग पूरे दीवारों पे ही, वो हमें दीवारों पे कुछ नहीं दिखता, हम लोग नहीं देखते। आपने देखा होगा बच्चों को, टॉडलर्स को, वो जाएंगे तो एक बार ऐसे दीवार पे ही देखते रहेंगे, पता नहीं उन्हें क्या दिखता है, वो कलर्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कलर्स को, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको अपने घर में कराने चाहिए, उनसे भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं और बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक जगह अपनी आइज को टिका के रखते हैं। पेरेंट्स जब मदर देखते हैं, फादर देखते हैं, उनके फेस को देखते हैं कि हाँ वो, अब देखा हुआ जाता है हमारे फेस को देखते हैं हम कैसे अपने लिप्स हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विजुअल फिक्सेशन ऑन पेरेंट्स फेस, चाइल्ड एबनॉर्मल आई मूवमेंट, फर्स्ट है हमारा विजुअल फिक्सेशन। हमारी फिक्सेशन होती है, अगर हमें बोला जाए कि हाँ आपको यहाँ देखना है, फोकस करना है इस चीज़ पर, तो हम कर सकते हैं, बट उनमें जो टॉडलर्स होते हैं, हमारे इन्फेंट्स होते हैं, वो ऐसे फिक्स नहीं करते हैं। वही वॉल वाला एग्जांपल लेते हैं, लाइक वो देखते रहते हैं वॉल को और पेरेंट्स के फेस को, लेकिन जिन बच्चों को बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम होती है आईज़ में, तो वो विजुअल फिक्सेशन नहीं कर पाते, एक जगह टिकट नहीं देख पाते। नेक्स्ट है एबनॉर्मल आई मूवमेंट। एबनॉर्मल आई मूवमेंट, पेरेंट्स को पता ही चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ अलग आई मूवमेंट कर रहा है या कुछ भी अलग कर रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी बच्चे को कंजेनाइटल हो, जब वो उसने बर्थ लिया तभी से हो, और तो फैमिली हिस्ट्री को भी चेक किया जाता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री, जो एक्सपर्ट्स होते हैं फैमिली हिस्ट्री पूरा चेक करते हैं कि फैमिली में तो कोई ब्लाइंड नहीं था पहले कभी और किसी को कुछ प्रॉब्लम आईज में, लो विजन एंड ऑल। एंड नेक्स्ट है विजुअल एक्विटी बच्चों की कि वो ठीक है या नहीं, तो ये थे हमारे कुछ तरीके, कुछ हमारे
तरीके जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इन्फेंट्स एंड टोडलर्स में क्या क्या हम वो आई प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हम पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड हमें उसे फिर आगे डायग्नोज करना है, एक्सपर्ट्स को दिखाना है. सॉरी. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इन स्कूल एज स्टूडेंट्स. अब स्कूल एज स्टूडेंट्स को कैसे होता है, कुछ इसमें लिखे हुए हैं मैंने, कुछ मैं आपको और बताऊंगी क्योंकि सब कुछ मैं नहीं लिख सकती एक बोर्ड पर. नेक्स्ट है स्नेलन चार्ट्स स्कूल एज चिल्ड्रन. स्नेलन चार्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरी आईज वीक है, मैं स्पेक्स लगाती हूँ, मुझे डॉक्टर ने स्पेक्स प्रिस्क्राइब किया. क्यों? तो फिर उन्होंने वो टेस्ट कैसे किया, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड, हम जब आईज चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास तो बोर्ड वो हमें दिखाते हैं, वेदर वो पहले से रिटर्न कंप्यूटराइज वो चल रहा है या कैसा भी, जब ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, नीचे और छोटे, फिर धीरे धीरे करके बहुत छोटे होते जाते हैं, बहुत स्मॉल ऐसे वो. ये है स्नेलन चार्ट जो डॉक्टर हमें दिखाते हैं, पूछते तुम्हें कहाँ तक दिख रहा है, फर्स्ट लाइन दिख रही है, सेकंड लाइन दिख रही है, थर्ड लाइन दिख रही है, तो ये डॉक्टर्स, ये स्नेलन चार्ट जो डॉक्टर हमें दिखाते हैं, और वो लेंसेज को चेंज करते रहते हैं कि आपको ये लाइन दिख रही है नहीं, उससे पता चल जाता है कि हाँ आईज में प्रॉब्लम है. ये तो हर किसी ने देखा होगा मे बी. नेक्स्ट है टीचर रिपोर्ट ऑफ फ्रीक्वेंट मैनरिज्म. टीचर रिपोर्ट ऑफ फ्रीक्वेंट मैनरिज्म. फ्रीक्वेंट मतलब बार बार लगातार, मैनरिज्म मतलब उस बच्चे का मैनर या बिहेवियर. तो फ्रीक्वेंट मैनर लाइक बच्चा जो है अपने खुद टीचर बोर्ड पर लिख रही है बट वो कॉपी नहीं कर रहा, वो अपने फ्रेंड के में से कॉपी कर रहा है या वो किसी और से देख रहा है, वो बोर्ड से उसे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, वो उसका फ्रीक्वेंट मैन हमेशा ऐसे ही करता है. ऐसे स्कूल में भी होता होगा बच्चों के साथ कि टीचर बोलती कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी आईज टेस्ट कराओ. नेक्स्ट है वो चीज़ों को अपनी आईज के ज़्यादा पास लाकर देखता है, ऐसे जैसे मार्कर है तो ये पास आके देख रहा है कि हाँ क्या है ये होती है मैनर्स. बार बार वो अपनी आईज को ऐसे रब कर रहा है. टीचर हर बिहेवियर को नोटिस करती है अपने बच्चे, क्लास टीचर, तो वो बता सकती है, उसकी रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन होता है कि वो बार बार रब कर रहा है या उसे प्रॉब्लम हो रही है देखने में, जो भी उसके मैनर होता है क्लास में. तो ये हमारी फ्रिक्वेंट रिपोर्ट होती है टीचर की. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल सब कुछ. असेसमेंट में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में हम लोग बच्चे की हर चीज़ उसका सॉरी सोशली वो बच्चा कैसे वो कर पा रहा है, कोप कर पा रहा है, वो अगर उसे की आईज में प्रॉब्लम है तो उसे क्या प्रॉब्लम है आईज में, और वो सोशली जैसे कि फ्रेंड से वो मतलब आईज टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, स्क्विंट है उसकी आईज, और उसे उसका सबसे बेसिकली उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस, अगर उसकी एजुकेशन परफॉर्मेंस खराब है ठीक है तो वो किस रीज़न से ख़राब है, क्या रीज़न हो सकता है उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस, हो सकता है उसकी आईज में प्रॉब्लम हो, एंड ये नॉर्मल है, हो सकता है उसे कम दिखे, लो विजन, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से उसके आईज में प्रॉब्लम हो और उसकी एजुकेशन परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है. ओके उसके रिजल्ट कैसा है, उसके अचीवमेंट क्या है, और इसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ इंक्लूड होता है. उसके इंटरेक्शन कैसा है फ्रेंड्स ग्रुप में कैसा है, उसका मैनर और उसके जो प्ले एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं, वो ड्राइंग कर पा रहा है नहीं क्योंकि कंसाइजली हमें करनी पड़ती है पेंटिंग, वो कर पा रहा है नहीं, तो वो सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. नेक्स्ट है इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई विजुअल प्रॉब्लम्स. अब विजुअल ये ओवरऑल हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो देखते हैं विजुअल प्रॉब्लम के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ इसमें लिखे हुए हैं मैंने. रब्स आई एक्सेसिवली. एक्सेसिवली आईज को रब करना, हमने यहाँ ऊपर पढ़े हैं कैसे हम अलग अलग टोडलर्स का और स्कूल एज चिल्ड्रन का यहाँ पे ओवरऑल लिखा है, ये इनमें भी हो सकते हैं, बाकी टोडलर्स का तो अलग होता है ठीक है. नेक्स्ट है स्क्विंट्स. ब्लिंक मोर फ्रीक्वेंटली. बार बार बच्चे ऐसे पलक झपका रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसे कर रहे हैं. ओके ये स्क्विंट्स हैं. स्क्विंट अब भेंगापन जो मतलब देख कहीं हो रहा है, उसकी आई आई बॉल जो है वो कहीं हो रहा है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को
फोर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। जब हम बोर्ड से बहुत सारी चीज़ों में हम लोग अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन यूज़ कर रही हूँ, मैं बोर्ड से अपना जैसे मैं देख रही हूँ बोर्ड पे, तो मैं बोर्ड आई से देख रही हूँ और मैं वही चीज़ अपने हैंड से लिख रही हूँ, तो वो है मेरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो जिन्हें आईज में प्रॉब्लम होती है, विजुअल प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है लूजेस प्लेस वाइल रीडिंग। लाइक मैं खड़े होकर क्लास में रीड कर रही हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी रीड कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन एकदम से मेरा लॉस हो गई और मुझे पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा है, मेरे पॉइंट कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉट एबल टू सी इन नाइट, रात को कम रोशनी में, रात को कम रोशनी होती है, या तो नाइट में उन्हें नहीं दिखता, जिसे रतौंधी भी कहते हैं, नाइट को नहीं दिखता। एंड अगला है कि हो सकता है उन्हें कम लाइट में भी ना दिखे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर परफॉर्मेंस भी हो सकती है उनकी, क्यों पुअर परफॉर्मेंस, जैसे हमने स्कूल एज चिल्ड्रन में पढ़ा था, वॉटरी आइज हो सकती है, रेड आइज हो सकती हैं, और ऑब्जेक्ट्स को पास लेकर आना और हर चीज़ को ऐसे टेढ़ा होकर देखना, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान से देखना कि कुछ प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है, और बहुत काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि हमने कुछ पढ़ी भी, कुछ मैंने भी बताई, और कुछ आप लोगों ने भी अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन को। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मेथड्स पढ़ेंगे, जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं, हम इन जो हम दो तीन अगर हम लाइक लो विजन, मतलब मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी रेड हो गई है या वॉटरी हो गई, दो तीन सिम्टम्स के बेसिस पर हम किसी को नहीं बोल सकते या डायग्नोज नहीं कर सकते, टैग नहीं कर सकते कि वो लो विजन है या ब्लाइंडनेस है। उसके लिए एक्सपर्ट्स अपना डायग्नोसिस करते हैं, एक्सपर्ट्स अपने बताते हैं, असेसमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते। बाकी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप ये अगर पता चलता है कि हाँ सच में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए। एंड नेक्स्ट हम मेथड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें।